नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी उनसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। हेलो मैम, क्या नाम है? मेरा नाम रानी है। कहाँ से आई हैं? बेगू से। कितना समय हो गया आपको यहाँ आते हुए? मेरे 18 साल हो गए। 18 साल? हाँ जी। क्या इन 18 सालों में कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ? कुछ नहीं। ये किसी और के साथ आपने कभी कुछ गलत होते देखा? कुछ नहीं देखा। कभी कुछ आपको ऐसा लगा हो कि ये आपत्तिजनक है या ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ कभी हुआ? हाँ जी। कभी कुछ ऐसा आपने देखा हो, आपको लगा ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। किस धर्म को मानती हैं आप? हाँ जी। कौन से धर्म को आप मानती हैं? पिताजी को। पिताजी को मानती हैं? हाँ जी। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई सिख नहीं आ सकता, मुसलमान, ऐसा कुछ है यहाँ पर? ना ना, कुछ नहीं, नहीं। मुस्लिम सिख वाला कोई चक्कर है यहाँ पर? ना ना, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं ना। मैडम, इतना समय हो गया आपको यहाँ डेरे में आते हुए, हाँ जी, क्या आप अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ जी। हाँ जी। मीडिया में बहुत सी बातें आईं, क्या वो सच्चाई, उनमें कितनी एक सच्चाई थी, वो सब सच्ची थी? क्या आप कहना चाहेंगे उस बारे में? पिताजी वाली, पिताजी सही है, मतलब बाकी बातें सब गलत है, क्योंकि हमें तो चमत्कार भी हुए हैं, हमें तो सब कुछ सही लगा है। जितना टाइम हमें आते तो हुआ ना, सब कुछ सही लगे है हमें तो। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हमें अपील करना चाहेंगे कि पिताजी सही है, पिताजी को गलत मत मानो। तो देखिए, ये यही सिरसा के हैं और बहुत डेरा सच्चा सौदा में आते रहते हैं, इनसे हमने बातचीत की और जाना गुरु जी के बारे में। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल।